उधर सीएम योगी ने विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया है। ना सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई बल्कि विपक्ष पर पलटवार भी किया। समय है जब हम एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ चलने इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और उत्तर प्रदेश के तो हर नागरिक को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हमारा हर नागरिक सुरक्षित है। आज भी हम लोगों के यहां बहुत अच्छे ढंग से इसको हम लोगों ने नियंत्रित किया है। कल दो जगह मामले आए थे, एक लखनऊ के लामार्ट में और एक प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल एवं YMCA स्कूल। ये हमारे फोकस जो टेस्टिंग का वो है उसका परिणाम है कि हम एक एक जगह ढूंढ रहे हैं और इसमें छात्रों का नहीं, इन संस्थाओं के कर्मचारियों में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हर एक स्तर पर हम लोग जांच करा रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख जांच प्रतिदिन सरकार की चल रही है, लगातार चल रही है, सारी जांच फ्री में चल रही है। जब गाजियाबाद पुलिस ने किडनैप किए गए दो मासूमों को कुछ ही घंटों के अंदर बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दोनों बच्चों को लेकर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। दोनों बच्चों को बुधवार रात करीब 8 बजे आरोपी अरविंद किसी बहाने से लेकर जा रहा था। हालांकि जो बच्चे जिनका किडनैप हुआ था उनके पिता राजू और अरविंद एक दूसरे को जानते भी नहीं है। फिलहाल पुलिस अभी तक अपहरण की वजह साफ नहीं कर पाई है, लेकिन ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आरोपी अरविंद दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद कर लिया है, अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब अपहरण की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज करेंगी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ अहम मीटिंग। यूपी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगी प्रियंका गांधी। यूपी के आगे की कार्य योजना पर रणनीति बनाई जाएगी, पार्टी को मजबूत करने को लेकर यह रणनीतिक बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे इसके लिए समय रखा गया है। 10 जनपद पर उसके बाद एक बैठक भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। यूपी में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ ये मीटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब आगे की कार्य योजना, आगे की रणनीति क्या हो, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए, ये रणनीतिक बैठक आज होने जा रही है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर यह बैठक होगी दोपहर 2:30 बजे 10 जनपद पर। और इस बैठक में कौन कौन मौजूद होगा उन सबके नाम हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, पार्टी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उसमें होंगे, प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप जैन आदित्य, ये सभी लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे। अब से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे 10 जनपद पर यह बैठक होने जा रही है। बाल कुमार पटेल, गजराज सिंह, ये सभी नेता इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक करने जा रही है। We'll be right back.